हे गाइस, वेलकम बैक वाइकम ब्लॉग। सो गाइस, आज हम कुछ आपको स्टूडियो टूर दिखाने वाला हूँ मेरा, और मैंने आज ही कुछ तैयार करा उसको अपने सेटअप से, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो स्टूडियो। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और घंटी बटन को नहीं दबाया तो वो भी दबा देना। चलिए अब चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हो कुछ यहाँ पे ऐसा है। पहले ट्राइपॉड, एक ये देखिए ऐसा कुछ ट्राइपॉड है, ये देखिए, ये और भी लंबा हो जाता है, आपको करके दिखा दूंगा। वहाँ पे है हमारे पास एक और ट्राइपॉड जो थोड़े अलग फंक्शन का है। ये देखिए एक ये है, हाँ जी, और एक गर्मी ना लगे एलेंके का कूलर, ये देख सकते हो एलेंके का कूलर, जिसको अपन ने मज़ा आ गया था वीडियो में, अपन ने लिया था। ये वही कूलर है जिसको अपन ने धोया था चमका के, वो इसलिए ही धोया था, मैंने आपको बताया था ना कुछ सरप्राइज आपके लिए, तो वही था ये सब्सक्राइब। यहाँ पे एक भगवान जी की फ़ोटो, क्योंकि भाई अपन ने पहली बार स्टूडियो लिया है तो उसके अंदर भगवान की तो फ़ोटो बनती है। और यहाँ पे ये ट्राइपॉड, यहाँ पे अपने पास ये रिंग लाइट, आपको यूज़ अभी करके दिखाऊँगा, एक बार पहले आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये कुछ रिंग लाइट है, और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर का सेटअप है कुछ, और यहाँ पे मेरा ऐसा ही सामान है ऊपर, ये सारा जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर लगाया है भाई। ये तो कल ही लाया हूँ, देख सकते हो ये, और ये तो अपने पास था यार, और ये और ये अपा दोनों कल लाए हैं, और साथ में इनका थोड़ा सामान इधर का। सो गाइज, आपको मॉनिटर में थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा, क्योंकि गाइज मैंने नया मॉनिटर ले लिया, आपकी डिमांड आ रही थी कि नया मॉनिटर लो सैमसंग का, लेना वैसा ही बिल्कुल पर लेना वही। तो गाइज मैंने नया आपके लिए ले लिया है, इसकी अनबॉक्सिंग आपको नहीं दिखा पाया गाइज, क्योंकि जल्दी जल्दी में था और हमने खोल लिया था पहले दुकान पर, इसलिए आपको नहीं दिखा पाया इसकी अनबॉक्सिंग, उसके लिए सॉरी गाइज। और यहाँ पर कुछ ऐसा CPU है कंप्यूटर के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और वहाँ पे लगा रखे मैंने सोफ़ास इनके लिए, और ऊपर देख सकते हो मैंने अभी चला दी है लाइट और पंखा, देख सकते कैसे इसका फर्नीचर लाइट है, ये देखिए रेड ब्लू वाइट गाइस ऐसा कुछ है। और पाइप पर्दे वाली, हम जल्दी पर्दे लाएंगे और इधर लगाएंगे अपने स्टूडियो में गाइस। सौरभ जोशी व्लॉग्स के देखने के बाद मुझे आग लगी कि मुझे भी एक स्टूडियो बनाना चाहिए, तो मैंने तभी बनवा लिया। ये देखिए ऐसा है, चलिए अब इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ गाइस। सबसे पहले हमारा आ जाता है रिंग लाइट गाइस, इसके कुछ शॉर्ट्स लिए, सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइबर आए हैं मेरे, ये देखिए कुछ सब्सक्राइबर आए मेरे, ये देखिए पानी पी रहे कैसे, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं नीचे, जो बहुत दो बच्चे खड़े हैं ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ उनकी मम्मा ही हैं, जैसा है गाइस। चलिए अंदर चलते हैं, दोबारा अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, आपने रिंग लाइट के तो जनरल शॉर्ट्स ले लिए हैं, अब इसको यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे अडैप्टर के अंदर इसकी लीड लगी है, देखिए ऐसे कुछ लीड लगती है इसके अंदर, ये देखिए इसको उतार के दिखाता हूँ, ऐसे ही लीड लगती है, और इसको बटन को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे लाइट जल जाती है, देखिए बटन है यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के लिए, इसको ऑन करा तो देखिए गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे लाइट जसगी, इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं ये बटन दबा के, अब देखिए गाइस कैसे इस रंग का हो गया, इसको आप डार्क भी कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे जल गई मून लाइट, देख सकते हो मून लाइट है ये, डार्क करता हूँ भाई। अच्छा, आपके लिए तो लाइट करनी पड़ेगी, वो ये इसके अंदर फिर दिखेगी नहीं। ऐसे लग रहा हो गाइज नकली है, सो गाइज ये असली है यार, यकीन तो करो। यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये बंद, गिर बंद होगी, ये देखिए इसका ऑब्जेक्टर ऑन ही रहता है अगर हम बटन भी बंद कर दें, ये देखिए इसका ऑन रहता है, इसको अपन चलाएंगे नहीं, वैसे ब्लू लाइट चस। और गाइस कुछ ऐसे हैं हेडफोन्स,
हेडफोन्स है ये हमारे, और ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पेन स्पून्स आपको पहले दिखा रखी है वीडियो में। तो जो है गाइस मेरे पास, अंदर रखता हूँ मैं क्योंकि माउथ फ्रेशिंग के लिए। सो गाइस एक बार सेटल कर देता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ मैं शॉर्ट्स। सो गाइस ये सोफ़ा इग्नोर करना, जो दूर है थोड़ा उसको इग्नोर करना गाइस प्लीज़, आपके लिए उसके लिए सॉरी। और गाइस इसको यूँ दिखा देता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पे इसको ऊपर करता हूँ। सो गाइस देखिए गाइस कितना ऊपर चला गया है, कितना ऊपर गाइस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वहाँ तक चला गया है ऊपर, तो नीचे से लेके ऊपर तक गाइस इतना बड़ा हो जाता है ये। इसको छोटा करते हैं दोबारा। चलिए ठीक है। और गाइस यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्राइपॉड, ये देखिए ये ना ट्राइपॉड, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक किस डायरेक्शन में खड़ा है वो भी देख सकते हैं। देखिए ये देखिए गाइस कुछ ऐसा है ट्राइपॉड। और गाइस यहाँ पे आ रहा था अपना कूलर, ये देखिए अभी मैं जिससे शूट कर रहा हूँ वो हमारा ग्रिम्बल है। कुछ ऐसे ही थी यार चीज़ें ये आपको दिखा रखी हैं। यहाँ पे देखिए दो माइक हैं जिससे अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वाला वो माइक है जिससे अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये अपने आर्ट के चैनल के लिए माइक है। दो माइक तभी ले रखे मैंने ताकि इससे वीडियो शूट हो सके तभी। ये चारकोल पेंसिल्स HB 2B ऐसे रेडोम्स के कलर्स ऐसे है गाइस कुछ मटेरियल। अब एक बार स्पीकर भी तो चला के दिखा दो, बहुत लोगों के कमेंट आए थे स्पीकर तो चलाओ, तो चला देते हैं गाइस। वेलकम टू क्वालिटी म्यूजिक वर्ल्ड। भाई चुप रहना एक बार म्यूजिक। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਮਰਸੀਡੀ ਜਾਂ ਫੈਂਟਮ ਲੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਬੇਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੱਟ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਏ, ਬੇਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੱਟ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਥਾ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਕਾ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਗਾਈਸ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਅਭੀ ਕੁਛ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਲਾਏਂਗੇ ਜਲਦੀ ਪਰਦੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਲੀਏ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਪਾਈਪ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਏ ਥੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰਦੇ ਆਣੇ ਹੈ। सो गाइज वहाँ पे चार आने हैं, चार और एक कितने हुए पाँच, पाँच और गाइज वहाँ पे आने हैं पाँच, दस पर्दे आएंगे गाइज। और ऊपर देखिए एक पे पंखा जा रहा है क्योंकि ज़्यादा माइक्रोफोन में बाजना है, बस कोई यूँ ही था। अब गाइज अपन स्टूडियो में देखिए ऐसे कुछ ग्लास लगवा रखे हैं, अपन ने खिड़कियाँ नहीं लगवाई सिर्फ ग्लास लगवाए हैं। देखिए शीशे में मैं दिख भी रहूँगा, ये देखिए गाइज कैमरा पकड़ रखा है DSLR शूट कर रहा हूँ तभी, और ऊपर माइक्रोफोन भी लगा हुआ है गाइस। कुछ ऐसा ही था अपना ये देखिए सोफ़ा कुछ ऐसा ही था गाइस। चलिए मिलता हूँ ऐसे के साथ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। सो गाइस गुड बाय।